ऐसा क्या हो गया था कि इस विच को अपना इग्लू बनाना पड़ा, या ये अबैंडेड विलेज अबैंड कैसे हुआ? इतनी सारे मिस्ट्रीज को हम जानेंगे आज वाले वीडियो में, तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखो। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लाइटनिंग, आप लोगों ने मूवीज में तो बहुत बार देखा होगा कि कोई भी हीरो के ऊपर लाइटनिंग गिरता तो उसके पास सुपर पावर आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ माइनक्राफ्ट में भी होता है, जैसे कि क्रीपर पे कोई लाइटनिंग गिरता है तो वो एक चार्ज क्रीपर बन जाता है, और ऐसा ही यहाँ पे पिक पे कोई लाइटनिंग गिरता है तो वो बन जाता है एक जॉम्बीफाइड पिगलिन, और उसके बाद कोई विलेजर पे गिरे लाइटनिंग तो वो एक पावरफुल विच बन जाता है। अभी तक तो वही लग रहा है कि कोई भी मॉब पे लाइटनिंग गिरने के बाद उसके पास सुपर पावर आ जाती है, और बहुत लोग कहते हैं कि स्टीव पे लाइटनिंग गिरने के बाद वो एक हीरो ब्रायन में बन जाता है, और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हीरो ब्रायन लाइटनिंग से आया, स्टीव पे लाइटनिंग गिरा तो वो हीरो ब्रायन बन गया। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। आप लोग क्या है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और हीरो ब्रायन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि पूरे माइनक्राफ्ट पे राज करता है, और जब भी स्पॉन होता है तो पूरे पेड़ का पूरा लीव्स उड़ा देता है और पूरे जंगल में आग भी लगाता है, पता नहीं कैसे ना कैसे। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे, अबैंडेड विलेज। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि अबैंडेड विलेज कैसे बना और किसने बनाया और ऐसा क्यों हो गया और कैसे हो गया। अबैंडेड विलेज का भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता ही है कि पिलेजर विलेजर के कितने बड़े दुश्मन होते हैं। जब भी रेड होता है तो पिलेजर इन विलेजर को कैद करके इवोकर को दे देते हैं, और इवोकर उनको रेवेजर में कन्वर्ट कर देते हैं अपने जादू से। और इसी काम को जो और भी स्पीड में करने के लिए पिलेजर एक प्लान बनाते हैं कि वो सारे जॉम्बीज का एक टीम बनाएंगे और एक विलेज में छोड़ देंगे, एक प्यारे से खुशहाल विलेज पे, जिससे ये लोग और भी ज़्यादा विलेजर को कलेक्ट कर पाए। और ऐसा ही ये कुछ करते हैं और अपने बहुत सारे जॉम्बीज को लेकर आते हैं और एक विलेज में छोड़ देते हैं जो कि बहुत ही हरा भरा होता है, और सारे जॉम्बीज को उन पर अटैक के लिए छोड़ देते हैं। और ये जॉम्बीज भी कम थोड़ी ना थे, ये तो और भी ज़्यादा हड़बड़ी में लग जाते हैं कि विलेजर को मारेंगे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के विलेजर्स उन विलेजर्स को कैद करके उनको ले जाते हैं, और ऐसे ही पहले से भी ज़्यादा विलेजर्स को कलेक्ट करते हैं और उनको रेवेजर में कन्वर्ट करते जाते हैं, और जिससे ये विलेजर और इवोकर्स का प्लान फुल्ली सक्सेसफुल हो चुका था। और ऐसे ही बनता है हमारा अबैंडेड विलेज, जहाँ पे कोई भी विलेजर ना होता है तो ऐसे ही पूरा विलेज में क्या कॉबवेब लग जाते हैं और मकड़ी के जाले लग जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है अबैंडेड विलेज। तीसरे नंबर पे बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और गाइस अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए होगा तो आप लोग कुछ भी नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को फुल वॉच करके सब्सक्राइब करके एक सबसे पहले कमेंट करना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ही सिर्फ और सिर्फ शाउट आउट मिलेगा, जो कि फुल वीडियो वॉच करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कमेंट करेगा। तो आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो जाओ और जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब करके वीडियो को फुल वॉच करके और प्यारा सा कमेंट करो, जल्दी जाओ। और अभी करोगे तो क्या पता आप लोग के भी अगले वीडियो में शाउट आउट मिल जाए दोस्तों, तो जाओ शाउट आउट के लिए तो प्लीज कमेंट करो, आप लोग ऐसे तो करोगे नहीं। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पे, हमारे ड्राउंस। ड्राउंस बहुत बड़े नूब होते हैं, जो कि कोई भी प्लेयर आता है और इनको मार के चला जाता है इजीली, और ये मर भी जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर लुक है ये जॉम्बीज और ड्राउन का। फर्क इतना है कि जॉम्बीज जमीन पे रहते हैं और ये ड्राउंस पानी में। ड्राउंस का स्टोरी सुनते हैं गाइस, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक रात एक विलेज पे बहुत सारे जॉम्बीज का अटैक हो जाता है, पता नहीं कैसे, और एक प्लेयर बचने के लिए पानी के अंदर छुप जाता है, वो प्लेयर इजीली बच जाता है, लेकिन ये सब होते हुए एक पायरेट देख लेता है जो कि आया था सी हर्ट को चुराने, जो कि चुराना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उसकी रक्षा करते थे सी गॉड, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और इसीलिए कोई भी इसको नहीं चुरा सकता था। पायरेट को भी पता था कि सी गॉड बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और बहुत ही ताकतवर है, इसीलिए पायरेट बहुत ही खतरनाक एक प्लान बनाता है, जिसमें वो क्या करता है कि सारे जॉम्बीज को कलेक्ट करके उसके सी गॉड के ऊपर छोड़ देता है, और जिससे क्या होता है कि आप लोग आगे देखो। तो पहले पायरेट बहुत सारे जॉम्बीज को कलेक्ट करने के बाद उनको पानी में छोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि सारे जॉम्बी ड्राउंस में कन्वर्ट हो चुके थे, और ये बहुत सारे ड्राउंस होने की वजह से सी गॉड भी कुछ नहीं कर पाते और सी गॉड का भी काम तमाम हो जाता है, और इजीली वो पायरेट उस सी हर्ट को चुरा लेता है और बहुत ही आराम से वहां से चला जाता है, और उसको बहुत ही ज़्यादा इजी होता है इस सी हर्ट को चुराने में। तो आप लोग को ड्राउंस की स्टोरी पता चली गया होगा कि कैसे वो पायरेट ने उस सी हर्ट को चुराया और कैसे सी गॉड को भी मार डाला, लेकिन अपने आप से नहीं, उन ड्राउन की हेल्प से। और ये स्टोरी तो मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अगर आप लोग पसंद है लाइक कर देना और आप लोग कमेंट बताना कि आप लोग कैसा लगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे,
अगर क्या हो, मैं आप लोगों को कि ये पिगलिंस एक टाइम पे एक पिग हुआ करते थे जिस पे आप लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन पहले आप स्टोरी को सुनो तभी आप लोग को विश्वास होगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का शाउट आउट जाता है आंसरे गेमिंग को, तो आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या करना है, कमेंट करना है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में करेगा और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ। जब हमारे एंशिएंट बिल्डर्स नए नए चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको मिलता है एक विच हट, और वहाँ पे एक विच भी होती है, तो हमारे एंशिएंट बिल्डर वहाँ पे जाते और उस विच से बात करने की कोशिश करते, तो विच उस हमारे एंशिएंट बिल्डर को बताती है कि हमारे वर्ल्ड में एक नेदर भी है जहाँ पे तुम जाके और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और भी नई नई चीज़ें को देख सकते हो। तो हमारे एंशिएंट बिल्डर भी जैसे तैसे करके एक पोर्टल बनाते हैं और अंदर चले जाते हैं देखने के लिए नेदर कैसा होता है। तो हमारे एंशिएंट बिल्डर अंदर जाते हैं और देखते हैं नेदर में तो रहने की कोई भी जगह नहीं, यहाँ पे रह भी नहीं सकता है, और पहले के टाइम में वहाँ पे एक भी मॉब नहीं होता था और इतना खतरनाक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लावा होते थे और इतना ही। तो हमारे एंशिएंट बिल्डर क्या करते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसको अभी हम जानते हैं बेस्टियन के नाम से, और वहाँ पे एंशिएंट बिल्डर होता है वो ओवरवर्ल्ड से कुछ पिग्स को लाता है और वहीं पे पालता है और उनको खाने के लिए देता है क्रिम्सन फंगस और कुछ नेदर वर्ड्स, जिससे क्या होता है कि वो सारे पिग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक पिगलिन में, और पिगलिन सेम टू सेम इंसानों की तरह दो पैरों पे चल सकते हैं और बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे, और वो पिग के अपग्रेडेड वर्जन थे क्योंकि पिग कितना बुद्धू होता है और यहाँ पे पिगलिन बहुत ही ज्यादा शातिर। और हमारे एंशिएंट बिल्डर दिमाग लगाते हैं और उन पिगलिन से बहुत सारे खजाना को ढूंढवाते हैं और इसी बेसिन में डलवाते हैं। और आगे का वीडियो में आप लोग क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ गाइस, क्योंकि वो सारे डिलीट हो गए इसीलिए, तो प्लीज मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे हमारे एंशिएंट बिल्डर बहुत सारे उनसे काम करवाते हैं और बहुत सारे सामान कलेक्ट करवाने के बाद वो एंशिएंट बिल्डर यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे नेदर का सारा सामान खत्म हो गया था, इसीलिए हमारे एंशिएंट बिल्डर उन पिगलिन को छोड़ देते हैं और सारे खजाना को इसी क्या वो बेसिन में छोड़ के चले जाते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस इग्लू का स्टोरी जो कि पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस इग्लू का स्टोरी कि इग्लू कैसे बना और किसने बनाया। तो देखो गाइस, पहले के समय में क्या हुआ करता था, विलेजर्स और विचेस साथ में रहा करते थे बहुत ही खुशहाली से और बहुत ही अच्छे से। लेकिन क्या हुआ, एक बार विलेज में एक बुरा विलेजर क्या करता है कि वो सारे विलेज में अफवाह फैलाता है कि ये विचेस बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कभी भी हमारे विलेज पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन हमारे विच वैसा नहीं था क्योंकि वो विच अच्छे दिल की थी और सारे कुछ में उसको मदद करती थी। लेकिन वो खराब विलेजर उन सारे विलेजर को भड़का देता है और अगले ही दिन क्या होता है कि सारे विलेजर एक मीटिंग करते हैं जिसमें फैसला होता है कि हम विच को यहाँ से निकालेंगे। और विच भी क्या कर सकती है बेचारी, उसको निकलना ही पड़ेगा क्योंकि उसका पूरा विलेज का फैसला था इसीलिए, तो वो वहाँ से सैड होके चली जाती है और ये पूरा विलेज का फैसला था इसीलिए उसको जाना ही पड़ता है, वो नहीं रह पाती थी तो वो चली गई वहाँ से। और वो दो तीन दिन भटकती है ऐसे ही वो ओवरवर्ल्ड में और फिर वो प्लान बनाती है कि हम उस विलेज को ख़त्म कर देंगे, सारे विलेजर्स को कुछ तो करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, अभी वो प्लान बनाती है और सोचती है कि वो जॉम्बी का इफेक्ट लेके एक जॉम्बी का क्या उसको क्या बोलते हैं जॉम्बी का वायरस बनाएगी और उन सारे विलेजर को पिला के उनको वहीं पे जॉम्बीज बना देंगे जिससे उसका रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। तो बहुत दिन तक रिसर्च करती है और जॉम्बी से जाके बात करती, तो एक जाके जॉम्बी को मारती है और उसका इफेक्ट ले लेती है और वो बनाती है एक जॉम्बी वायरस और वो फिर से पुराने वाले विलेज में जाती है और सारे जॉम्बीज विलेजर्स को वहाँ पे इफेक्ट दे देती है वो वाली, और वहीं पे सारे विलेजर बन चुके थे जॉम्बी विलेजर। लेकिन पता नहीं क्यों उस बीच को थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो सोचती कि उस जॉम्बी वायरस को मारने के लिए वो कुछ पोषण बनाएगी, तो वो एक छोटा सा घर बनाती है गोल जिसको अभी हम बोलते हैं इग्लू, और उसके नीचे बहुत सारे पोषण करके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करती है। तो फाइनली वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो चुकी थी और वहीं पे लेकिन वो जॉम्बी वायरस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका था इसीलिए वो विच ने भी कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए उसने सोचा कि अब छोड़ो हटाओ जो हुआ सो हुआ, और ऐसे ही बनता हमारा इग्लू। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नए सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।